नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल। और आज का ये वीडियो है वृश्चिक राशि के गुरु राशि चक्र की नवमी राशि धनु राशि के लिए कैसा फल देने वाले होंगे इसके बारे में। आज का जो ये पर्टिकुलरली वीडियो है गुरु का अनुराधा नक्षत्र में भ्रमण के बारे में है। 27 अक्टूबर 2018 से 27 दिसंबर 2018 तक पर्टिकुलरली 2 महीना अनुराधा नक्षत्र में चलने वाले गुरु राशि चक्र की नवमी राशि धनु राशि में प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को कैसा फल देंगे इसके बारे में। तो सर्वप्रथम बता दें कि धनु राशि जो है वो धनु राशि के अंदर जो 2.25 नक्षत्र हैं वो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम मूला नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण, ऐसे धनु राशि बनती है। अब जो गुरु का अनुराधा नक्षत्र में भ्रमण है ये एक तो आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर है। आपकी राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है और गुरु का जो ये भ्रमण है वृश्चिक राशि में ये जल तत्व की राशि में है। तो राशि से 12वें स्थान के अंदर गुरु आपको ट्रैवलिंग के अंदर खर्चे करवाएंगे, धार्मिक कार्य के अंदर खर्चे करवाएंगे, शुभ कार्य में खर्चे करवाएंगे, एजुकेशन में खर्चे करवाएंगे। खर्चे आपके बड़े रहेंगे लेकिन धार्मिक कार्य में, शुभ कार्य में, एजुकेशन में, ट्रैवलिंग में, शादी ब्याह के अंदर, ऐसे शुभ कार्य के अंदर आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे। गुरु की जो दृष्टि है वो शुभ होती है। गुरु की जो पंचम दृष्टि है आपके चतुर्थ स्थान के अंदर है, जिसके चलते हुए आपके मकान, जमीन, वाहन, सुख में वृद्धि होती है। रोग शत्रु पर आपका विजय रहता है और ये गुरु आपके आयुष्य बल में भी वृद्धि करने वाले बनते हैं। अब ये गुरु का जो फल है नक्षत्र वाइज कैसा रहेगा, प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को कैसा फल देंगे, तो सर्वप्रथम बात करेंगे मूला नक्षत्र वाले जातकों के लिए। धनु राशि में मूला नक्षत्र में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है इनके लिए गुरु का जो ट्रांजिट है अनुराधा नक्षत्र में 27 अक्टूबर 2018 से 27 दिसंबर 2018 2 महीना गुरु का फल आपके लिए शुभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो गुरु का ये अनुराधा नक्षत्र में चलना है ये आपके शत्रु योनि में चलेंगे। आपका नक्षत्र मूला है, मूला नक्षत्र में श्वान योनि है और अनुराधा नक्षत्र में मृग योनि है। मृग और श्वान कट्टर शत्रु है, कट्टर दुश्मन है, जिसके कारण आपको गुरु का इतना शुभ फल नहीं मिलेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है इनके लिए जो गुरु का फल है ये भी शुभ नहीं है, क्योंकि जो गुरु चलेंगे आपके वध तारा के अंदर चलेंगे तो गुरु आपके लिए भी शुभ फल देने वाले नहीं होंगे। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है धनु राशि में, उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में जन्म हुआ है जो कोई भी जातक का, इनके लिए गुरु ग्रैंड सक्सेस देने वाले बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धनु राशि में ही तीनों तीन नक्षत्र में अलग अलग फल हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी का डिफरेंस है। आप देख रहे हैं कि मूला नक्षत्र वाले जातकों के लिए शुभ नहीं है, पूर्वाषाढ़ा के लिए भी शुभ नहीं है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में धनु राशि में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है इनके लिए ये एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाले हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शंस। आपके कोई मित्र हैं धनु राशि वाले तो वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए। नीचे आपको वीडियो पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिए। चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन बटन दबाना जरूर ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर अवश्य नोट करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। आप जहां भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, ऐसी हार्दिक शुभकामना के साथ
नरेश एस्ट्रोलॉजर का जय गणेश।